You're not you when you're hungry. Snickers satisfies. Hey guys, कैसे आप लोग? तो guys, मेरा नाम है दीपक और 100K टच करने के मेरे मकसद ने मुझे मजबूर कर रखा है डेली वीडियोस बनाने पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके क्वेश्चन सीरीज के ही किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, बट किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग पूछा ही नहीं हुआ था। तभी मुझे याद आया, मैंने अपने खुद के भी 3 अकाउंट से डीके डायनेमिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो खुद के सवाल भी तो ले सकता हूँ। एंड दैट इज, आखिर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ काम कैसे करती है? क्या उसके पीछे कोई लॉजिकल साइंस है, या ये सिर्फ फिक्शनल वर्ल्ड की विदाउट फैक्ट्स बेस्ड कोई काल्पनिक शक्ति ही है? तो बात करते हैं इसी बारे में डिटेल के अंदर। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो मिड 20th सेंचुरी में इस वर्ल्ड में अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही गॉडजिला ने अपनी पॉपुलैरिटी के चलते 30 से भी ज्यादा मूवीज में अपनी अपीयरेंसेस दी हैं, जिस वजह से उसके डिजाइन और पावर्स में भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता आया है। बट 2019 में एक गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में बर्निंग गॉडजिला के साथ साथ इसकी एटॉमिक ब्रेथ को भी काफी पावरफुल फॉर्म में दिखाया गया। वेल, इस बर्निंग गॉडजिला का टेम्परेचर क्या था कि इसके आसपास की चीजें तक पिघल गई थी, ये तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। करनी पड़ेगी यार, क्योंकि ये मूवीज में फर्स्ट टाइम था कि गॉडजिला की इस एबिलिटी को दिखाया गया था। बट साथ ही इसी मूवी में दिखी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, जिसकी वजह से एक थॉट मुझे भी ये देखकर हमेशा आता है कि यार आखिर गॉडजिला इसे अपनी बॉडी से प्रोड्यूस कैसे करता है? पोकेमोन्स का तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पर हर जगह ऐसे थोड़ा ना कुछ भी मान लेंगे। तो यार अगर सबसे पहले फैक्ट्स की बात करें, तो गॉडजिला की शुरुआती मूवीज में उसका ओरिजिन बताते हुए दिखाया गया है कि आखिर गॉडजिला को उसकी पावर्स कैसे मिली। तो क्योंकि गॉडजिला के मूवीज में इंट्रोडक्शन से कुछ समय पहले ही अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, जिस वजह से पूरे जापान पर काफी इम्पैक्ट पड़ा था, और इसी एटॉमिक बॉम्बिंग की वजह से गॉडजिला की पावर्स भी एटॉमिक रेडिएशंस पर बेस्ड रखकर ही बनाई गई थी, जहां ये बताया गया कि एटॉमिक बॉम्ब्स की एक्सप्लोजिव टेस्टिंग्स के वक्त पर ही गॉडजिला का जन्म हुआ। मतलब ये नहीं कि एटॉमिक रेडिएशंस ने मिलकर गॉडजिला बना दिया, ना 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 ना, बट वहां दिखाया ये गया था कि अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग के दौरान एक प्री हिस्टोरिकल रेप्टाइल इस रेडिएशन की चपेट में आ गया था, जिस वजह से वो गॉडजिला में बदल गया। बट 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में दिखाया ये गया कि गॉडजिला और बाकी टाइटन्स अर्थ पर लाखों करोड़ों सालों से ही एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अर्थ पर उस वक्त से थे जब अर्थ पर एक स्टेबल एनवायरनमेंट तक नहीं था, और इसी वजह से वो उस समय मौजूद रेडिएशंस पर ही फीड करते थे। और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब से गॉडजिला को मारने की कोशिश तो करी, बट वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि ऑब्वियसली गॉडजिला फीड ही रेडिएशंस पर करता है। तो अगर तुम उस पर एक एटॉमिक बॉम्ब मारोगे, ही'ल बी क्रेविंग फॉर मोर। एक बार मारकर तसल्ली नहीं हुई तो लो, दोबारा मार लो। और ऐसा ही मूवीज में आगे भी हुआ, जहां ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम के वेपन से जख्मी होकर गॉडजिला हील होने के लिए गया, तब ह्यूमंस ने वहां पर एक और एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खैर, इस बार वाला बॉम्ब उसे एटॉमिक रेडिएशन से फीड करने के लिए था, और ना कि उसे मारने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयड से जख्मी होने के बाद गॉडजिला को ठीक होने में बहुत समय लग सकता था। बट ह्यूमंस वर लाइक, वेट क्यों करना, आप भी ठीक करके देता हूँ। एंड देन दे ब्लू अप गॉडजिलास होम विद एन एटॉमिक बॉम्ब। और ये सब इसलिए किया गया ताकि गॉडजिला को रेडिएशन से फीड किया जा सके, क्योंकि गॉडजिला के पास इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज मौजूद है, और इसकी पीठ पर मौजूद ये फैंग्स इन रेडिएशंस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से गॉडजिला को हम एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मान सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस थोड़ी बल्कि उसे एब्जॉर्ब ही तो कर रहा है, फिर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे मान सकते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि गॉडजिला की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इसे उन एब्जॉर्ब रेडिएशंस को एटॉमिक रिएक्शंस के थ्रू एटॉमिक ब्रेथ में बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बाय कंसंट्रेटिंग द एटॉमिक एनर्जी इनटू अ ब्लू और रेड एनर्जी बीम यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ठीक ही बता रहा हूँ, मान लो चुपचाप। और हाँ, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो इनफ रेडिएशंस के ऊपर फीड करे, और यही कारण है कि गॉडजिला पर कितना भी बड़ा एटॉमिक बॉम्ब आप गिरा दो, वो उसे एब्जॉर्ब करके आपके ही अगेंस्ट यूज कर सकता है।
और यही कारण है कि गॉडजिला को एटॉमिक बॉम्ब से नहीं मारा जा सकता। और क्योंकि डेली डेली थोड़ी कोई एटॉमिक बॉम्ब फोड़ता रहता है, लेकिन गॉडजिला को तो एटॉमिक रेडिएशंस चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वो अर्थ के अंदर यानी कि होलो अर्थ में रहता है, ताकि वो अर्थ के कोर से निकलने वाले रेडिएशन पर फीड कर सके, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उन्हें ये रेडिएशन मोस्टली अर्थ के कोर से निकलने वाले रेडिएशन से मिलता है जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। और गॉडजिला की ही तरह बाकी टाइटंस भी इसी रेडिएशन पर फीड करते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ में और उनकी बॉडी के रीजनरेशन में उनकी मदद करता है। और क्योंकि बाकी टाइटंस का भी सोर्स ऑफ एनर्जी सेम है यानी कि रेडिएशन, तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ और इसी मूवी में दिखे फॉल्स किंग गिडोरा की क्रेबिडी बीम में से कौन सी बीम ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों में से एटॉमिक ब्रेथ ही ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से जनरेटेड फोर्स इतना ज्यादा है कि वो 70,000 किलो टन के गिडोरा को भी पीछे धकेलने में कामयाब हुआ था। और नॉर्मल गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का टेम्परेचर 500,000 डिग्री सेल्सियस तक और बर्निंग गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का टेम्परेचर 1.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आता है? हाँ, सन का। तो जो लोग सन के टेम्परेचर से कंपेयर करना चाह रहे हो, उन्हें बता देता हूँ कि सन के कोर का टेम्परेचर इससे कई गुना ज्यादा होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये सन के कोर का टेम्परेचर है। और सन के सरफेस का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू गूगल 5,505 डिग्री सेल्सियस है। और अब ये टेम्परेचर बताया ही है, तो एक और नई चीज जान लो कि भले ही सारे स्टार्स जो कि अपने आप में सन्स हैं, उनका सरफेस टेम्परेचर या कोर टेम्परेचर सेम नहीं होता, बल्कि ये स्टार टू स्टार ड्रास्टिकली वेरी कर सकता है। एग्जांपल के लिए WR-102 और इस सन का टेम्परेचर नॉन सन्स में सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे सन से ऑलमोस्ट 35 टाइम्स हॉटर है, यानी कि इसकी सरफेस का टेम्परेचर 192,675 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हाँ, माना ये सब साइंटिफिक स्टफ काफी इंटरेस्टिंग है, बट अभी के लिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के पीछे की साइंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी थी ब्रीफ में, क्योंकि डिटेल के लिए तो हमें एटॉमिक बॉम्ब्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। और अगर मेरे को वो बनाने आते तो सही में मैं वो बॉम्ब्स बना रहा होता, ना कि यूट्यूब वीडियोस। तो इसकी एटॉमिक ब्रेथ के बाद बात कर लेते हैं गॉडजिला के बर्निंग मोड की, जहां मूवी में जब मोथरा ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी पूरी एनर्जी गॉडजिला को दी तो वो काफी अनस्टेबल हो गया था। उन माना कि मैंने कहा था कि इसकी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट लीव इट, यहीं पर उसे भी कवर कर लेते हैं। तो किसी भी दूसरे टाइटन की एनर्जी पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद, इस केस में मोथरा की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, अपनी अनस्टेबल बॉडी की वजह से गॉडजिला की सरफेस का टेम्परेचर 10-15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, विच इज ऑलमोस्ट एज इक्वल टू सन्स कोर टेम्परेचर। एंड लेट मी टेल यू, इतना टेम्परेचर सन के कोर में हो पाता है बहुत सारी न्यूक्लियर फ्यूजन एक्टिविटी की वजह से। और अगर वैसा सेम टेम्परेचर क्रिएट करना है तो हजारों लाखों एटॉमिक बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। ऑल एंड ऑल तबाही मच जाएगी इतना टेम्परेचर लाने के लिए। बट क्योंकि बाकी जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, सो लेट्स जस्ट टेक इट विद सम ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और मान लेते हैं कि चलो बिना धरती का अंत किए गॉडजिला ने 10-15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट कर लिया था। और इसी टेम्परेचर की एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए इस सीन में आप आसपास मौजूद चीजों को पिघलता हुआ भी देख सकते हैं, और अपनी पूरी एनर्जी को और भी कंसंट्रेट करके गॉडजिला रेडिएशंस भी छोड़ रहा था, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग थे कि गिडोरा की बॉडी तक इससे मेल्ट हो गई। और जैसा कि मैंने बताया, इतनी एनर्जी से पूरी अर्थ तक को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है, बट फॉर्चुनेटली गॉडजिला इस पावर को सिर्फ अर्थ को गिडोरा जैसे एलियन टाइटन से प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज करता है। वेल, इतनी पावर के बावजूद भी गॉडजिला कोंग से भिड़ने वाला है, तो किसी भी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बिग मॉन्की वर्सेस जायंट चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या ही कहें बस। बट स्टिल आई एम विद टीम कोंग। आप कौन सी टीम में हो, टीम कोंग या टीम गॉडजिला? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे अभी भी कई सारे टाइटंस का मॉन्स्टरवर्स में दिखना बाकी है, तो जैसे जैसे ये मॉन्स्टरवर्स और एक्सपेंड करेगा, वैसे वैसे हमें गॉडजिला के और नए नए पावर्स और डिफरेंट टाइटंस देखने को मिलते रहेंगे। तो मॉन्स्टरवर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए, प्लस सभी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज का वॉच ऑर्डर जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो, और कोई रैंडम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अनटिल देन, बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।